कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत में पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड स्तर पर पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के तकरीबन 3,14,000 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड नए मामले सामने आए, जबकि लगातार दूसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना महामारी की चपेट में आकर तकरीबन 2100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भारत में लगातार बढ़ते पॉजिटिव मामलों के मुकाबले कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर घटकर अब 85% पर पहुंच चुकी है। साथ ही पिछले साल के कोरोना के मुकाबले इस बार कोरोना की स्थिति ज्यादा खराब मानी जा रही है। और इस बीच आपको ये बता दें कि क्या मुख्य कारण है कि पिछली बार के मुकाबले दूसरी लहर को ज्यादा भयावह बताया जा रहा है। कोरोना से बचाव के तरीकों से लोगों ने अब बहुत हद तक दूरी बना ली है। पहले जिस तरीके से स्ट्रेन था, कोरोना था, वो अब अलग है। देश में आई कोरोना की दूसरी लहर में युवा लोग भी अब ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। पिछले साल ये स्थिति नहीं थी युवाओं में, लेकिन अब भी आंकड़े युवाओं में बढ़े हैं। पिछले साल सितंबर तक 10 लाख एक्टिव केस थे, इस वक्त 14 लाख एक्टिव केस हैं। तो सितंबर में जो 10 लाख का आंकड़ा था वो अभी 14 लाख हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में बच्चे भी आए हैं। पिछले साल के मुकाबले बच्चों में भी संक्रमण इस साल इस लहर में बढ़ा है, और इसलिए इस बार की स्थिति बहुत भयावह मानी जा रही है। नया कोरोना वायरस इस समय म्यूटेंट है, यानी ये प्रतिरोधक क्षमता के साथ है। ये एक एंटीबॉडी और वैक्सीन को भी धोखा दे सकता है, और ये सबसे डराने वाला पॉइंट नजर आता है। पहली लहर में किसी कोरोना संक्रमित की चपेट में आने से कोरोना फैलने की क्षमता 30-40% थी, जो अब 80-90% हो गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण का सीधा असर फेफड़ों पर पड़ रहा है। बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है, और यही कारण है कि अब स्थिति भयावह है। तो हम आपको ये मुख्य बड़े कारण बता रहे हैं, स्थितियां बता रहे हैं, जिस बीच इस लहर को ज्यादा घातक और परेशान करने वाला बताया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़ चुके हैं, जो कि VC हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। बहुत बहुत आभार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नरेश, अभी हमने कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया, पिछले साल के मुताबिक इस साल क्यों स्थिति बहुत भयावह है, बहुत गंभीर मानी जा रही है, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि अब ये म्यूटेंट के रूप में है, यानी इसकी प्रतिरोधक क्षमता पर अब सब कुछ निर्भर कर रहा है, जिसकी वजह से इस बार स्थिति बहुत भयावह बन गई है। डॉक्टर ने मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि लास्ट ईयर जब हमारा लॉकडाउन लग गया था तो हम सब बहुत अच्छे से बच गए थे, और हमारे देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उनको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते हम अक्टूबर नवंबर तक कोरोना की पीक पे पहुंचे थे, और दिसंबर जनवरी हमने काफी शांति से काटे हैं। हालांकि हमें दिसंबर अंत पे ये लगना शुरू हो गया था कि पूरी वेस्टर्न दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के केस बहुत हो रहे थे, और हमें पता था सेकेंड वेव हिंदुस्तान में भी अवश्य आएगी। लेकिन फरवरी अंत में ये कहर आनी शुरू हो गई थी। अब हम अप टू द एक्सटेंट कि मार्च में बढ़ते बढ़ते, लेकिन पिछले 10 दिन से जो हम देख रहे हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी तो सब आपने देखा होगा, सिर्फ हिंदुस्तान की 12 स्टेट्स में अभी केसेस ज्यादा हुए हैं। अभी तो 17 स्टेट्स पड़ी हैं, लेकिन चूंकि इंटर स्टेट और इंटर रोड और रेल ट्रेवल सब ऑन है, बॉर्डर्स खुले हुए हैं, तो अभी तो हमारे डर है कि जो हम 3 लाख से ऊपर पहुंचे हैं अभी कहां कहानी रुकेगी हमें नहीं मालूम। लेकिन अब मैं बात करूंगा उस बात की कि ये क्यों हुआ। एक तो जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सबको फॉलो करना चाहिए, हमारे हर देशवासी को फॉलो करना चाहिए, वो अभी भी इतना सब होने के बावजूद भी, मैं दिल्ली शहर में एक मेडिकल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, मुझे दिल्ली और में ये नजर नहीं आता, but to talk of the rest of the world. तो मेरी आपके चैनल के थ्रू सब दर्शकों को एक ही आग्रह है, the best vaccine is the social vaccine. That means कि आप कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा, अपने घर से बाहर मत निकलिएगा अगर ना जाने की कोई वजह नहीं है। If you leave your home, it should always be the proper mask. यानी कि मास्क सिर्फ थोड़ी पर लटकाया हुआ है, ऐसा मास्क जो टाइट फिटिंग हो वो आपके नाक और मुंह दोनों को बंद करे। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आपको दूसरे के संपर्क में आना भी पड़े तो आप कम से कम 1.5-2 मीटर दूर रहिएगा। चौथा जो बहुत बुरा हुआ है पिछले कुछ टाइम में, सोशल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स और पॉलिटिकल गैदरिंग्स बहुत नुकसान हुआ है, तो अब सब कुछ बैन हो जाना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रॉपर डाइट,
ये फॉलो किया जाए। खुशी की बात यह है कि इंडिया की वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन अभी भी 13 करोड़ लोगों हिंदुस्तानी को लग चुकी है। हम सब जिसको जहां कहीं उसकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है वो वैक्सीन लगवाए। तीसरी चीज जो हम देखते हैं, जो एक हमेशा कम्युनिटी में आ जाती है जिसको बोलते हैं पैनिकिनस, जी तो आज भी अगर हमारी ऑक्सीजन शॉर्ट है तो इसलिए नहीं कि एक्चुअल ऑक्सीजन एक्चुअल शॉर्ट है, इसलिए कि कई जगहों पे ऑक्सीजन ऐसे इस्तेमाल हो रही है जहां उसकी जरूरत भी नहीं है। जी तो मेरी सब देशवासियों को आपके चैनल के थ्रू ये आग्रह है, काइंडली बी इन टच विद योर डॉक्टर, जो आपको डॉक्टर एडवाइस करिए वो फॉलो करो। इवन जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, आईसीयू बेड्स की शॉर्टेज है, रेमडेसिविर की शॉर्टेज है, कुछ और ड्रग्स की शॉर्टेज है, ये तब खत्म हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर पहले खुद सतर्क रहने की ज़रूरत है, और हो सकता है उस बेसिस पर हम इस जंग को भी जीत जाएं, इससे भी बाहर निकल पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ